हेलो एंड वेलकम टू जावा डी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिलीटिंग अ नोट फ्रॉम बीएसटी। अभी तक हमने पढ़ा बीएसटी क्या है, बीएसटी में फाइंड के एल्गोरिदम देखी, सर्च के एल्गोरिदम देखी, फिर हमने देखा कि हमने बीएसटी में ऐड कैसे करते हैं उसकी एल्गोरिदम देखी। आज हम डिलीटिंग की एल्गोरिदम पढ़ेंगे कि डिलीटिंग किसी नोट को डिलीट कैसे करते हैं बीएसटी में, फिर डिलीटिंग अ नोट हैविंग जीरो चाइल्ड। अब डिलीट के तीन केस होंगे, एक ऐसी नोट को डिलीट करें जिसके जीरो चाइल्ड हो, एक ऐसी नोट को डिलीट करें जिसका एक चाइल्ड हो, और एक ऐसी नोट को डिलीट करें जिसके दो चाइल्ड हो। तो ये तीनों केस डिस्कस करेंगे हम लोग बीएसटी पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बीएसटी। तो आपके सामने ये दिया हुआ है एक बीएसटी का फिगर और कुछ कोड। तो कुछ कोड जो स्टार्टिंग है वो सिमिलर वैसा ही है जैसा हमने बीएसटी का ऐड नोट देखा था। डिलीट नोट में पहला कुछ ऐसा ही है कि हमें पता तो चले कि जिस नोट को हमें डिलीट करना है उसके पेरेंट क्या है। क्लियर? तो वही स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले क्या हुआ, हमने बीएसटी के दो पॉइंटर बनाए, एक टी बनाया एक एफ बनाया, बिल्कुल ठीक है। इंट वैल्यू, एक वैल्यू नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और टी इज इक्वल टू रूट कर दिया। तो जैसे ही टी इज इक्वल टू रूट किया तो ये तो एलिमेंट सबसे टॉप का रूट है, तो यहां पे क्या आ गया, टी आ गया, फाइन, ओके। क्या रूट नल है? नहीं, रूट नल नहीं है। अगर रूट ही नल है तो बाइनरी सर्च ट्री एम्प्टी है, डिलीट क्या करेंगे। अदरवाइज टी इज नॉट नल, हाँ टी नल नहीं है इस सिचुएशन में, एंड टी का इन्फो इज नॉट इक्वल टू डेटा। अब आती है बात, हमें किस नोड को डिलीट करना है। अब डिलीट करने के तीन केस हो सकते हैं, वो पहले मैं आपको तीन केस बताता हूं, यहीं पे एग्जैक्टली छोड़ के जा रहा हूं, यहां से स्टार्ट करूंगा। देखो तीन केस कॉस कौन कौन से हो सकते हैं। सपोज करो मुझे एट को डिलीट करना है, तो एट एक ऐसी नोड है, 8 या 12 और 16, 19, 30, ये सब ऐसे ही नोड है जो लीफ नोड है, इनका कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो जब जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं है उस नोड को डिलीट करना है तो ठीक है, ये चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्या होगा, 10 का जो लेफ्ट पॉइंटर में अभी 8 का एड्रेस था, वो 8 का एड्रेस ना होके 10 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, फाइन, ओके। इसी तरीके से अगर 12 डिलीट करते तो वहां 10 के राइट पॉइंटर में क्या आ जाता, नल आ जाता, क्लियर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस क्या होगा, 10 के लेफ्ट पॉइंटर में जो 8 का एड्रेस था वो 8 का एड्रेस ना आके अब नल हो जाएगा, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरा केस ये हो सकता है, एक ऐसी नोट को डिलीट करना है जिसका सिर्फ एक चाइल्ड हो। तो एक ऐसी नोट को डिलीट करना है जिसका एक चाइल्ड हो, तो सपोज करो अभी यहां पे तो कोई नोट नहीं है, मैं एक नोट बना देता हूं, इधर मान लो ये बीएसटी है और यहां पे मैं लिख लेता हूं 7, ठीक है। अब एक 8 को मुझे डिलीट करना है फिर से। अब पहले 8 क्या थी, ऐसी नोट थी जिसका एक भी चाइल्ड नहीं था, अब एक 8 एक ऐसी नोट है जिसके दो चाइल्ड है। अब मुझे 8 को डिलीट करना है तो क्या होगा, अब 8 को डिलीट करेंगे तो 8 का तो ऑलरेडी एक बेबी है, एक बच्चा है, एक नोड है, उसका एक चाइल्ड है। अब ये उसकी रखवाली कौन करेगा जब 8 चला जाएगा। तो हमेशा याद रखना, 8 अगर अपने पेरेंट का लेफ्ट है तो उसका जो चाइल्ड होगा वो अपने पेरेंट उसके पेरेंट का लेफ्ट बन जाएगा, और 8 अगर अपने पेरेंट का राइट होता तो जो उसका चाइल्ड होता वो उसके पेरेंट का राइट हो जाता। तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, 8 को अगर डिलीट होना है तो हो जाने दो, बस क्या होगा, जो उसका चाइल्ड था 7 वो कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, क्लियर। तो दूसरा केस समझाया, जब एक ऐसी नोट को डिलीट करें जिसके एक चाइल्ड है। अब सपोज करो एक ऐसी नोट को डिलीट करना है एक्सक्यूज मी, एक ऐसी नोट को डिलीट करना है जिसके दो चाइल्ड है। अब सपोज करो मुझे डिलीट करना है, सपोज करो 20 को डिलीट करना है, इसके दो चाइल्ड है। अब 20 की जगह क्या होगा, या 18 आएगा, 30 आएगा, या कुछ और आएगा। तो हमेशा याद रखना, ऐसे केस में क्या करेंगे, पहले इन ऑर्डर निकालेंगे, इस पूरी ट्री का इन ऑर्डर निकालेंगे। तो अगर हम इस पूरी ट्री का इन ऑर्डर निकालेंगे तो मैंने आपको इन ऑर्डर निकालने का एक शॉर्टकट तरीका बताया हुआ था, होप आपको याद होगा वो इन ऑर्डर निकालने का शॉर्ट। तो इन ऑर्डर तरीका क्या होता है, मिडिल नोड को जो टच करता है, मिडिल लाइन को जो टच करता है। हम चलेंगे कहां से, यहां से चलेंगे, और मिडिल लाइन में सबसे पहले 8 टच किया है, फिर 10 टच किया, फिर 12 टच किया। तो मैं लिखता जा रहा हूं 8, 10 और 12, क्लियर, गुड। अब उसके बाद 15 टच किया, और फिर 15 के बाद 16, 18 और 19, फिर क्या है, 16, 18 और 19। वैसे मैं बता चुका हूं इन ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर होता है सॉर्टेड। तो 19 उसके बाद बताने की जरूरत ही नहीं, 20 आएगा और फिर 30 आएगा। अब जब भी मुझे क्या करना है, 20 को डिलीट करना है, तो 20 की जगह कौन लेगा, उसका इन ऑर्डर सक्सेसर। तो 20 के बाद क्या आ रहा है, 30। तो हमेशा याद रखना, 20 की जगह कौन ले लेगा, 30। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 30। तो जब यहां पे 30 आएगा तो पहले क्या करना पड़ेगा, 20 को डिलीट करना पड़ेगा। तो 20 को जब 30 यहां पे आएगा तो क्या करना पड़ेगा, 20 सबसे पहले 30 को डिलीट करना पड़ेगा। तो 30 क्या है, एक ऐसी नोट जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 30 डिलीट हो जाएगा, और फिर यहां पे क्या आ जाएगा, 20 डिलीट होगा, उसकी जगह कौन ले लेगा, 30। तो यहां पे फाइनली क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, फाइन। अच्छा, अब आती है बात, सपोज करो मुझे एक ऐसी नोट को डिलीट करना है 15, जिसके दो चाइल्ड है 15। अब 15 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, 8, 10, 12 और उसके बाद क्या आ रहा था, 15।
यहाँ 15 आना चाहिए था, 15 और उसके बाद 16, 15. अब 15 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, 16. तो अब आप सोचो 15 की जगह कौन आएगा, पहले 16 यहां से डिलीट होगा और यहां पे फिर 15 के जो दो चाइल्ड है 10 और 20 उसकी उसकी देखभाल कौन करेगा, 16 करेगा. क्लियर? तो ये आपको समझने की बात थी जो मैंने आपको समझाया. क्लियर? तो ये मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया, दो केस, तीन केस बल्कि. एक ऐसी नोट को डिलीट करना जिसका एक भी चाइल्ड नहीं, एक ऐसी नोट को डिलीट करना जिसके एक चाइल्ड, और एक ऐसी नोट को डिलीट करना जिसके दोनों चाइल्ड. चलो आगे हम देखेंगे, डरने की कोई बात नहीं. स्टार्ट करता हूं. तो हम यहां तक गए थे. अब उसके बाद क्या करेंगे, सपोज करो मुझे एट को डिलीट करना है. तो पहला केस मैं लेके चल रहा हूं, अगर मुझे एट को डिलीट करना है. क्लियर? तो अगर एट को डिलीट करना है तो अभी क्या टी का न, टी इज नॉट इक्वल टी तो हमारे यहां पे था रूट के पास, ये टी था और ये रूट था. ठीक है? तो क्या टी नल नहीं है? हाँ टी नल नहीं है. और टी का इन्फो में 15 है, वो डेटा के बराबर नहीं है. डेटा में क्या है, एट, एट को डिलीट करना. हाँ बराबर नहीं है. एफ इक्वल टू टी किया तो एफ भी यहीं पे आ गया. क्लियर? अब चेक किया, क्या डेटा जिसे डिलीट करना है वो टी के इन्फो से छोटा? हाँ डेटा टी के इन्फो से छोटा है. अगर टी के इन्फो से छोटा है तो टी में डालो, टी का लेफ्ट, तो टी यहां पे आ गया, यहां से उठ के यहां पे आ गया. और उसके बाद फिर ऊपर गए, चेक किया, क्या टी नल नहीं? हाँ टी नल नहीं. क्यों टी नल नहीं? क्योंकि टी में तो 10 का एड्रेस है. फाइन, ओके. एंड टी का इन्फो, टी का इन्फो में क्या है, 10. क्या वो डेटा के बराबर नहीं? हाँ वो डेटा के बराबर. तो एफ इज इक्वल टू टी, तो एफ यहां पे आ गया. एफ और टी अब दोनों एक जगह आ गए. ठीक है? अब चेक करो, क्या डेटा जिसे डिलीट करना है वो टी के इन्फो से छोटा है? टी के इन्फो में 10 है और डेटा में 8. हाँ छोटा है, तो टी में डालो, टी का लेफ्ट, तो टी यहां से उठा और यहां पे आ गया टी. क्लियर? ओके. उसके बाद टी में डाला, टी का लेफ्ट, उसके बाद क्या हुआ, अब फिर ऊपर गए, चेक किया, क्या टी नल नहीं? हाँ टी नल नहीं. टी में तो 8 है. फाइन. अच्छा, क्या टी का इन्फो डेटा के बराबर नहीं? बराबर है. अब इस समय डेटा के बराबर नहीं, डेटा के बराबर है. तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स. और कंडीशन क्या होगी, फॉल्स. और हम कहां आ गए, लूप से बाहर. कंडीशन हो गई फॉल्स और हम आ गए लूप से बाहर. तो अब देखो ये सिचुएशन आ चुकी है कि एफ यहां पे आ गया, टी यहां पे आ गया और हम लूप से बाहर आ चुके हैं. क्लियर? अब हमने चेक किया, क्या टी नल है? ना टी नल नहीं है. क्यों? क्योंकि टी में तो 8 का एड्रेस है. अगर टी नल होता तो वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसे डिलीट करना है. अभी टी नल नहीं है. चलो अब लेते हैं पहला केस. पहला केस है डिलीटिंग अ नोट फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री है ये. अब इसके पहला केस लेते हैं, डिलीटिंग अ नोट हैविंग जीरो चाइल्ड. अब एक ऐसी नोट को डिलीट करना जिसके जीरो चाइल्ड है. अब ऐसी नोट को डिलीट करना जिसके जीरो चाइल्ड है, तो फिर वही वाली बात. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसके जीरो चाइल्ड है ये टी यहां पे आ गया. मान लो मुझे 8 को डिलीट करना है. ठीक है? यहां पे 18 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है? तो मैं टी को कहां ले आता हूं, यहां पे ले आता हूं. ठीक है? ऑब्वियसली टी यहां पे आ चुका होगा ना. टी यहां पे आ गया होगा क्योंकि मुझे इसको डिलीट करना है, तो वो चलते चलते यहां पे आ गया होगा. क्या टी का लेफ्ट नल है? हाँ टी का जो लेफ्ट है वो नल है. क्या टी का राइट नल है? हाँ टी का राइट नल है. इसका मतलब टी एक ऐसी नोट है जिसका 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 कोई भी चाइल्ड नहीं है ना. टी डिलीटिंग अ नोड हैविंग जीरो चाइल्ड, तो बिल्कुल ठीक है, सही कंडीशन में हम पहुंचे. तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है. तो ये कंडीशन, ये भी ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई. तो फाइनली आंसर क्या होगा, ट्रू हो गया. क्या डेटा जिसे हम डिलीट कर रहे हैं वो एफ के इन्फो से छोटा है? एफ कहाँ आ जाता है? एफ हमेशा याद रखना रूट के पास आ जाता है, मतलब उसका पेरेंट हो जाता है. तो एफ अगर हम चलेंगे तो हम जैसे प्रीवियस कंडीशन देखी थी हमने, तो एफ कहाँ आ गया था, तो एफ यहाँ पे आ चुका होगा. ओके. क्या डेटा हमें जिसे डिलीट करना है, डेटा में क्या है, एट, जिसे डिलीट 18 सॉरी डेटा में क्या है, 18, 18 को डिलीट करना है. जिसे डिलीट करना है वो एफ के इन्फो से छोटा है? एफ के इन्फो, हाँ 20 से छोटा है. तो एफ के लेफ्ट में, तो एफ के लेफ्ट में अब क्या आ जाएगा, नल. वही जो मैंने बताया था, क्योंकि जब 18 चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 20 का जो लेफ्ट है वहां पे क्या आ जाएगा, नल. तो वही हुआ, F के लेफ्ट में, F ये नोड है, इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा, नल. तो ये देखो फाइनली यहां पे क्या हो गया, नल आ गया. बस खत्म. इतनी ही कोड है, इतना ही एल्गोरिथम है, किसकी, डिलीटिंग अ नोड हैविंग जीरो चाइल्ड. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. अब आ गया हूं. ठीक है? डिलीटिंग अ नोड हैविंग वन चाइल्ड. अब एक ऐसी नोट को डिलीट करना है जिसका एक चाइल्ड है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 25 को डिलीट कर रहे हैं. अब 25 का क्या चाइल्ड है, 30. तो मैंने अभी भी बताया 25 डिलीट हो जाएगा और 25 का लेफ्ट चाइल्ड है. 25 अगर अपने पेरेंट का, 25 अगर अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है, तो जो उसका चाइल्ड है, 25 का चाइल्ड है, वो उसके पेरेंट के लेफ्ट में आ जाएगा. और 25 अगर अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है, तो उसका जो चाइल्ड है वो उसके पेरेंट के राइट में आ जाएगा. क्योंकि यहाँ पे 25 अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है, तो क्या होगा, जो उसका चाइल्ड होगा, क्योंकि 25 तो जा रहा है, वो कहाँ आ जाएगा, उसके, वो कहाँ आ जाएगा, उसके राइट पे आ जाएगा. क्लियर? तो बस कुछ नहीं, स्टार्ट करता हूं मैं. तो जब मुझे 25 को डिलीट करना होगा, तो टी यहां आ चुका होगा, एफ यहां आ चुका होगा. यहां तक तो क्लियर है पिछले वाले कोड से. ओके. अब चलते हैं, क्या टी का लेफ्ट नल नहीं है? टी का लेफ्ट नल नहीं है. टी का लेफ्ट ये है टी हमारा. क्या टी का लेफ्ट नल नहीं है? नल है. ट्री का लेफ्ट नल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई. तो यहां ये कंडीशन में जाएंगे नहीं, अब इस कंडीशन में आए.
इस कंडीशन, क्या टी का लेफ्ट नल है? हाँ टी का लेफ्ट नल है ये कंडीशन, और टी का राइट नल नहीं है? हाँ टी का राइट नल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। अच्छा ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, क्या डेटा जिसे हमें डिलीट करना है, डेटा डेटा इज 25, क्या एफ के इन्फो से छोटा है? नहीं बड़ा है, डेटा 25 डिलीट करना है वो एफ के इन्फो से बड़ा है, अगर बड़ा है तो एल्स में आएंगे, एफ के राइट में, एफ के राइट में क्या डालेंगे? टी का राइट, और टी के राइट में क्या है? 30, तो क्या होगा एफ के राइट में? अब किसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी? इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो देखो जब 25 डिलीट होगा तो एफ दैट इज 20 के राइट में क्या आ गया? 30, क्लियर हो गया, और हमने फ्री टी कर दिया, फ्री टी मतलब इस नोड को उड़ा दिया, इस नोड को फ्री कर दिया। मैलॉक कैलॉक रीअलॉक और फ्री एक फंक्शन होता है जो क्या होता है एलोकेटेड मेमोरी को फ्री कर देता है, क्लियर, यहां तक बात आपको समझ में आती है, तो ये क्या हो गया? फ्री हो गया, फाइन। और अगर वो ये वाला ये कौन सा केस था? राइट चाइल्ड वाला केस था, और ये वाला कौन सा केस था? लेफ्ट चाइल्ड वाला केस था, क्लियर, कोई नहीं, आप जैसा भी चलाओ उसको कर सकते हो। अब एक लास्ट केस देखते हैं, ये लास्ट, डिलीटिंग अ नोड हैविंग टू चाइल्ड ऑफ बीएसटी, एक ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसके दो चाइल्ड है। अब ऐसी नोड को डिलीट करें जिसके दो चाइल्ड हैं, तो मैंने बताया था उसकी जगह कौन लेगा? उसका इनऑर्डर सक्सेसर लेगा, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। अब देखो 20 को मुझे डिलीट करना है, 20 के दो चाइल्ड है, तो 20 की जगह कौन आएगा? हु विल टेक द प्लेस ऑफ 20, द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ 20, फाइन। सो व्हाट विल हैपन, तो इस ये टी है, फाइन गुड, ये क्या होगा एफ, उसके पहले वाला क्या होगा? उसका पेरेंट जो होगा एफ, तो हमने क्या किया, क्या टी का लेफ्ट नल नहीं है? हाँ टी का लेफ्ट नल नहीं है, कंडीशन ट्रू है। क्या टी का राइट भी नल नहीं? हाँ टी का राइट भी नल नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या तो क्या करो, एफ इज इक्वल टू टी का राइट, तो अब क्या करो F में डाल दो, F को उठाया और डाल दिया T के राइट में, F is equal to T का राइट। तो अब हमने क्या किया, एक F वेरिएबल लिया, तो एक इस मान लो इस F को हम यहां से हटा लेते हैं, F एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और F एक वेरिएबल लिया और उसे कहां डाल दिया, F एक वेरिएबल लिया और उसे कहां डाल दिया, T के राइट पे, तो T के राइट में F डाल दिया, फाइन। ये क्यों कर रहा हूं मैं अभी समझाऊंगा। व्हाइल F का लेफ्ट इज नॉट नल, F का लेफ्ट नल नहीं है, F का लेफ्ट नल है, अगर F का लेफ्ट नल नहीं होता तो हम क्या करते, F पे लेफ्ट में, F में डालते F का लेफ्ट, क्योंकि F का लेफ्ट नल है, तो यह कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी, जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी तो क्या होगा, हम नीचे आएंगे, वैल्यू में डालेंगे, VALUE, वैल्यू में डालेंगे F का इन्फो, F के इन्फो में क्या है, 30, मतलब क्या है मेरा टारगेट, कि सबसे पहले 30 को डिलीट करो, क्यों 30, क्योंकि 30 क्या है, इन ऑर्डर सक्सेसर है, किसका इन ऑर्डर सक्सेसर है, 20 का, तो अब 20 की जगह कौन सा लेगा, 30, अब इससे पहले कि हम 30 को यहां रिप्लेस करें, पहले 30 को डिलीट करना पड़ेगा, और 30 कौन सी नोड है, कैसी नोड है जिसका एक भी चाइल्ड नहीं है, तो सबसे पहले कौन सा केस चलाना पड़ेगा, एक चाइल्ड वाला, तो हमने सबसे पहले डेल नोड को कॉल किया, और क्या देकर, 30 देकर, तो वो जाएगा कंपेयर करेगा, उसे पता चलेगा कि ओके 30 एक ऐसी नोड है जिसका एक भी चाइल्ड नहीं, तो वो क्या करेगा, 20 के सबसे पहले क्या करेगा, 20 के जैसे ही जब 30 डिलीट हुआ तो 20 के राइट में क्या डाल देगा, नल डाल देगा ना, क्योंकि ये डिलीट हो रहा है, तो जब ये डिलीट होगा तो 20 के राइट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। अच्छा अब टी के इन्फो में ये है टी, फाइन, इसके इन्फो में हाँ क्या डाल देंगे, वैल्यू, और वैल्यू में क्या है, 30, देखा आपने यहां पे क्या आ गया, 30, तो ये देखो ये फिगर है, क्लियर हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, वो नोट डिलीट भी हो गई, कौन सी, 20 चली भी गई, और 20 की जगह किसने ले ली, 30, और 30 क्या है, इसका इन ऑर्डर सक्सेसर। तो ये जो कोड है, ये जो कोड है तीन लाइन का, ये जो तीन लाइन का कोड है, दिस कोड इज टू फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर, क्लियर, ओके। अब एक मन में आपके सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसके दो चाइल्ड है उसका इन ऑर्डर सक्सेसर के भी दो चाइल्ड हो, तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, ऐसी कोई ट्री बनी नहीं सकती। तो अगर हम किसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसका दो चाइल्ड है, अगर किसी ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसके दो चाइल्ड है, तो उसका जो इन ऑर्डर सक्सेसर होगा वो हमेशा क्या होगा, उसका इन ऑर्डर सक्सेसर का या तो जीरो चाइल्ड होगा या तो एक चाइल्ड होगा, उसका कभी भी दो चाइल्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल देख लो। चलो अब हम क्या करते हैं, देख लो, ऐसे बहुत सारी नोट्स है ना इसमें, चलो इसका इन ऑर्डर क्या होगा, इसका इन ऑर्डर होगा इसके, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो 8, 10, 12, 8, 10, 12, 15 और फिर 16, फिर 18, फिर 19 और फिर 20 और फिर 30। अब बताओ कौन कौन सी नोड है हमारे जिसके दो चाइल्ड है, एक 15 है, टिक कर लो, एक 10 है, 10 को भी टिक कर लो, और एक 20 है और एक 20 को भी टिक कर लो, एक 18 है, 18 को भी टिक कर लो। अब आओ उठा के देख लो, कोई भी 15 का जो इन ऑर्डर सक्सेसर है, 15 का जो इन ऑर्डर सक्सेसर है 16, अब 16 के पास आओ, 16 के देखो एक भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, अब देखो 18 को डिलीट करना है, हाँ 18 का इन ऑर्डर सक्सेसर 19, उसका एक भी चाइल्ड नहीं है, 20 को डिलीट करना है, उसका इन ऑर्डर
क्लियर। तो 10 10 को डिलीट करना, उसका इनहेरिटर सक्सेसर क्या है 12, उसका एक भी चाइल्ड नहीं। तो हमेशा याद रखना, जिस भी नोड को डिलीट करना है जिसके दो चाइल्ड है, तो उसका जो इन ऑर्डर सक्सेसर होगा 100% या तो उसका जीरो चाइल्ड होगा या तो उसका एक चाइल्ड होगा। क्लियर। तो एट लास्ट व्हाट आई विल से, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।